बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गोमाता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हाँ, हमने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बात कही। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी लोगों ने ले ली है। भाइयों बहनों, आपकी ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। आपने वैक्सीन ली, कोरोना की थर्ड वेव समाप्त। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कहती थी? कहती थी वैक्सीन नहीं लेना है, दुष्प्रचार करती थी और कहती थी ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए, ये अगर मोदी कोरोना कालखंड में क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं का किसी ने हालचाल लिया था? सांसद और विधायक तो हमारे हालचाल लेने के लिए आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, और मैं स्वयं अयोध्या 3 बार आया था देखने के लिए। फ्री में उपचार भी दिया था, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की। ये वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना। समाजवादी पार्टी होती थी वैक्सीन को ब्लैक कर देती। वैसे ही आप मुझे बताइए, कोरोना कालखंड में 2-2 बार राशन सबको मिला ना हर महीने, राशन में भेदभाव तो नहीं हुआ? फ्री में राशन, सबको राशन, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन, और राशन के साथ दाल भी, रिफाइंड तेल भी, और 1 किलो नमक भी। मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना। और सपा के समय में, बसपा के समय में, कांग्रेस के समय में सभी राशन खाद्यान्न माफिया खा जाते थे, खा जाते